हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी खबर आई है कि बिना रोल नंबर के कैसे देखें अपना यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट। यानी कि अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, यानी कि आपको रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है, तो इससे रिलेटेड एक खबर आई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ये पूरी जानकारी हो सके कि आखिर आपका रिजल्ट जब आएगा तो आप उसे चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूरी खबर पढ़ना है हमें धीरे धीरे। तो देखिए क्या है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड की रिजल्ट प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अब पहले की तरह छात्र अपने रोल नंबर से अपना परिणाम यानी कि रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, बल्कि बिना रोल नंबर के ही परिणाम दिखाई देंगे, यानी कि बिना रोल नंबर के ही आपको आपका रिजल्ट दिखाई देगा। कैसे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड की रिजल्ट प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अब पहले की तरह छात्र अपना परिणाम जो है रोल नंबर से नहीं देख पाएंगे। दरअसल वैश्विक संक्रमण महामारी कोविड-19 के कारण असामान्य परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ भी रद्द कर दी गई हैं। इस कारण इस बार छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन कार्य आधारित असेसमेंट योजना के तहत नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। लेकिन क्या है, आगे देखिए कैसे हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है, हमें देखना यही है कि हमें अपना रिजल्ट कैसे चेक करना। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए जा सके थे। यानी कि कोविड-19 के कारण आपको जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र भी नहीं दिया गया था। जबकि बिना रोल नंबर के नतीजे जारी करना और परिणाम देखना दोनों ही बड़े मुश्किल कार्य हैं। ऐसे लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में रिजल्ट कैसे देखा जाएगा जैसे प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष रिजल्ट जो है वो रोल नंबर के आधार पर ही देखा जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार देखिए क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस बार UPMSP की ओर से बोर्ड कक्षाओं, ठीक है, जो बोर्ड के रिजल्ट हैं, कक्षाओं का रिजल्ट जारी करने को लेकर एक नई व्यवस्था की गई है। इस बार रिजल्ट नामांकन संख्या अर्थात पंजीकरण संख्या, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर जो आपका है उसके द्वारा आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो देखिए, नामांकन संख्या जो आपका अथवा पंजीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए देखा जा सकेगा। इसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब देखिए, आप इसको कहाँ से लाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर को, तो ये आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा, संपर्क कीजिए। ठीक है, संबंधित स्कूलों को परीक्षार्थियों के नामांकन संख्या अथवा पंजीकरण संख्या की जानकारी दुरुस्त करने और सूची बनाकर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि यूपी बोर्ड की तरफ से जो स्कूल हैं उनको नामांकन संख्या और पंजीकरण संख्या की जानकारी दुरुस्त करने और सूची बनाकर उसका अपडेट देने के लिए कहा गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। ठीक है, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको आपके जो टीचर हैं उनको बताया गया है कि नामांकन संख्या और पंजीकरण संख्या की जानकारी बोर्ड को दी जाए। ठीक है, वहीं जिन विद्यार्थियों को अपने नामांकन संख्या अथवा पंजीकरण संख्या मालूम नहीं है वे इनकी जानकारी के लिए अपने संबंधित विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जिनको नामांकन संख्या या पंजीकरण संख्या नहीं मालूम है वो अपने विद्यालय में जाकर संपर्क करें। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी के प्रवेश के लिए एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इस रिकॉर्ड में नामांकन संख्या अथवा पंजीकरण संख्या लिखी जाती है। ठीक है, जो स्कूल है उनके द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा जाता है। वही जाकर आप पूछ लीजिए और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसकी सहायता से अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो आप लोग जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर लेकर आइए। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी नई खबर आती है तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा।